साथ संग जी सतगुरु म्यूजिक भोजपुरी चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार। माता जी के साजे नमाजे प्यारे साथ संग जी प्यार से कहना, एक बार जोर से कहना, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। सत्संग जी, इतना बड़ा सौभाग्य जी हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण क्षेत्र के पावन नगरी में सत्संग जी परम पूज्य एसएल खुराना साहिबान, सत्संग जी ब्रांच प्रशासन संत निरंकारी मंडल दिल्ली, आज परम हंस के रूप में सत्संग जी इनके सानिध्य में सतगुरु माता जी के अमर संदेश को लेकर आना हुआ। इनके सानिध्य में इतने हंस बैठे सत्संग जी। सत्संग जी दास जब इस, और ये सारा का सारा श्रेय सत्संग जी आप सबका है और हमारे परम पूज्य आदरणीय जोनल इंचार्ज साहबान कमलेश मणि त्रिपाठी जी की। सत्संग जी, अगर ये इतना बड़ा महफिल नहीं सजा होता, ये मानव परिवार का इतना बड़ा जनसालब सैलाब नहीं उमड़ा होता, सत्संग जी आपके दर्शन करने का सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता। सत्संग जी, सत्संग जी जब यात्रा में आना हो रहा था तो एक मेरे बगल में जो सीट खाली था उसमें संयोग से एक साहित्यकार महोदय आके बैठ गए। सत्संग जी, बातचीत के क्षण से लगा कि सफर कट जाएंगे। सत्संग जी, उन्होंने बड़े ही मर्यादा पूर्वक पूछा, कहां जा रहे हैं? मैंने कहा कि मानस सरोवर जा रहा हूं। कहा मतलब समझे नहीं। हमने कहा मानसरोवर में कौन रहता है? कहते हंस रहते हैं। मैंने कहा उसी मानसरोवर में जाता हूं, आज बहुत सारे हंस के दर्शन होंगे और हंस को छोड़ो आज परम हंस के दर्शन होंगे। सत्संग जी, सत्संग जी, हंस और कौवे पद्म पुराण की एक बात है कि हंस और कौवे, कौवा ने पूछा कि तू कौन है सफेद कुर्ता वाला? कहा कि मुझे हंस कहते हैं। कहा तू कितनी उड़ान जानता है? कहा मैं एक ही उड़ान जानता हूं, यहां से सीधे मानसरोवर जाता हूं और मोती चुन के खा लेता हूं। कहा कि तू नहीं जानता कि मैं कितनी उड़ाने जानता हूं? हंस ने कहा कि आप बता दो। कहा मैं 51 उड़ान जानता हूं, इस डाली से नीचे की डाली, नीचे की डाली से ऊपर डाली, कूद कूद करके उड़ाने गिना रहा था। कहा कि अच्छा ये बताओ मानसरोवर में तुझे क्या मिलता है कि तू वहां रहता है? कहा मोती मिलता है, मेरी आदत है मोती चुनने की। सत्संग जी, हंस का शायद एक गुण है कि दूध में भी पानी मिलाओ तो वो सार को, दूध को पी लेता है, पानी का परित्याग कर देता है। सत्संग जी, ये गुणों के ग्राहक बैठे, ये ज्ञान गंगा में गोता लगाने, ये मानसरोवर में ये हंस ज्ञान रूपी मोती चुनने आए हैं। सत्संग जी, ये साधारण महफिल नहीं है, ये रब के दीवानों की महफिल है। सत्संग जी, इनका सवेरा सूरज देखकर नहीं होता, इनके जीवन में सवेरा तो रब के दीदार से होता है, रब के दीदार से होता है, खुदा के दीदार से होता है। सत्संग जी, सत्संग जी, कौवे ने पूछा कि अगर तेरे मान सरोवर में मैं भी चलूं तो क्या मेरा रंग बदल जाएगा? कौवे ने बड़े प्यार से पूछा हंस से कि मैं तेरे मान सरोवर में चलूं तो मेरा रंग बदल जाएगा? हंस ने मुस्कुरा के कहा कि मेरा मान सरोवर ऐसा है कि तेरा रंग तो नहीं बदलेगा, तेरा रंग तो नहीं बदलेगा, लेकिन तेरे जीवन का ढंग बदल जाएगा, तेरे जीवन का ढंग बदल जाएगा। सत्संग जी, आज हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी के पावन चरणों में सानिध्य में आनंद ले रहे हैं और सत्संग जी कहते हैं कि गुरु नानक जी ने अपने, उनके तो बड़े शिष्य थे लेकिन दो शिष्य परम शिष्य बाला मर्दाना से पूछा, बाला से कि बाला जीवन कितना है? बाला ने कहा
आज का सूरज चढ़ा है, कल का सूरज चढ़े कि नहीं चढ़े, जीवन इतना है। गुरु नानक जी ने कहा जीवन इतना लंबा तो नहीं है बाला, मर्दाना तू बता जीवन कितना है। ये हुनर सिखाता है, ये समय का मुर्शिद है, ये समय का सतगुरु है। साथ संगत जी जब हमारे अकल बंद हो जाए, जहां से हमारे अकल खत्म होते हैं वहां से इसके शुरू होते हैं। साथ संगत जी का पॉइंट, मर्दाना तू बता जीवन कितना है। मर्दाना ने कहा कि ये घड़ी जो चल रही है, अगली घड़ी आए कि ना आए, इतना जीवन है। गुरु नानक जी ने कहा इतनी बड़ी जीवन नहीं है। दोनों शिष्य गिर गए चरणों पे, कहा कि हमारी बुद्धि समाप्त हो गई है, तेरी तू बता दे, तू समझ दे दे। तो इसने मुस्कुरा के कहा जीवन एक श्वास का खेल है, जीवन एक श्वास का खेल है। श्वास अंदर जाए तो बाहर आए कि ना आए, और बाहर जाए तो अंदर आए कि ना आए, बस जीवन इतना का खेल है, जीवन इतना है। साथ सकत जी उड़ जाएंगे एक तस्वीर, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। ये तो पूरे मानव परिवार को समझाने आया है, उड़ जाएंगे तस्वीर से एक दिन रंगों की तरह। हम सब बैठे हैं वक्त के टहनी पर परिंदों की तरह, वक्त के टहनी पर परिंदों की तरह। साथ संगत जी, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, गुरु के वचन को मान लेना चाहिए। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, ये हाँ कर दे या ना कर दे, दोनों में गुरसिक का कल्याण होता है, दोनों में गुरसिक का कल्याण होता है। साथ संगत जी, भावना तो उमड़ रही है लेकिन इनकी बड़ी मर्यादा, इनकी बड़ी जिम्मेदारी, इनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने माने मन मानव परिवार के, और इतने इतने हंस आए, परम हंस आए, पता नहीं किनके किनके घट से क्या निकल जाए। साथ संगत जी, तो ये एक इतना बड़ा परिवार, और थोड़ा थोड़ा सबके दिसना का सुख लेना होता है, सबके रहमतों को दामन में भरना होता है। तो बस इतना कह करके यहां से विदा लेना चाहूं कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग यदि अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, जंग यदि अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। साथ संगत जी प्यार से कहता।